हमेशा अपने अहबाब पे भी कहना होता है कि बहुत ही पुरअमन तरीके से करें, क्योंकि इस्लाम दहशत को मिटाने के लिए आया है। तारीख इस्लाम का मुताला करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस ज़माने में औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था, नबी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औरतों को जिंदा दफनाना पड़ा। और जब इसी रहमत की एक करण अजमेर में गरीब नवाज के नाम से चमकी तो वहाँ भारत में भी आप देखिए औरतों को जिंदा जलाना बंद, नहीं तो वहाँ सती कर दिया जाता। तो इसलिए ये वो हकायक हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सरमाया है, बस बहुत ही उसके हिसाब से करें। उम्मा के हवाले से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जैसा फरमाया हमें खैर उम्मत का ताज अता फरमाया और ये फरमाया कि ये मेरे महबूब की उम्मत तुम बेहतरीन बेमिसाल उम्मत हो, तो हमें इस टाइटल और इसकी अहमियत और इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी वजह भी बयान फरमा रहा है। तुम अच्छे इसलिए हो क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते बुराइयों से रोकते और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते। तो अब अगर अच्छा उम्मती बनना है और ये सोचना है कि हमें कुछ करना है तो इसे हमेशा ध्यान में रखिए कि रब की बारगाह से पहले हम कब्र में जब हाजिर होंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हमारी हाजिर होगी, तो हम वो चेहरा लेके जाएं कि नबी हमें देखें तो लबे पाके नबूवत में मुस्कान आ जाए। हम तरीक़ेकार हमारा ऐसा इस्लामी होना चाहिए कि जब हम चाहे वो यूरोप हो अमरीका हो अफ्रीका इंडिया पाकिस्तान हम जब चले तो हमें देखने वाला ये कहे कि ये मुसलमान नहीं ये तो इस्लाम जा रहा है। सुभानअल्लाह। हमारी वजह खता ऐसी हो तकबुरून बिल मारूफ का रंग हो कि अच्छाइयों का हुक्म दें, कोई अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसे बुराइयों से रोकें। हम अपने नफ्स को के गुलाम ना बने, नफ्स को अपना गुलाम बना। जब मादियत यहीं से किल हो, आज ये अरब जो आज हमारे सामने इस्लाम की सूरत में है अल्हम्दुलिल्लाह 1500 बरस पहले यहाँ इस्लाम जब नहीं था तो क्या सूरत हाल थी, मेजॉरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम, ये किस चीज़ से मुसलमान किरदार दे। तो हमें सबसे पहले अपने असलाफ के किरदार का मुहाफिज बनना ताकि जब हम कोई बात समझाएं तो वो दिल में असर करे और वो अमली तौर पे हमें साबित करना है। तो अमल बहुत बड़ी दौलत है। मैं ये कहूँगा अपने नौजवानों से कि अपने आप को मुस्लिम बिल फेल नहीं मुस्लिम बिल अमल बने। बहुत प्रोग्राम के आखिर में गुजारिश करूंगा कि इससे पहले कि प्रोग्राम का इख्तिताम करें आप दुआ के हाथ उठाएं अपने मखसूस अंदाज में, अगर हो सके तो अपने लखवा कलाम बादशाह सरवर हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके पर मैंने रिसेंटली यही थी यहाँ और अपने पढ़ी में कैसे कहूँ कि यही इसे निभाने की कोशिश की। सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वो तो खुदा का नूर है।
जब बस गई दिल में मेरे शहरे नबी की हर गली, जब बस गई दिल में मेरे शहरे नबी की हर गली, फिर भी दया रे नूर से है फासला, कैसे कहूँ वो है नहीं फिर भी जुदा, कैसे कहूँ और माना के मैं जुर्मो खता मैं हूँ बड़ा, फिर भी माना के मैं जुर्मो खता मैं हूँ बड़ा, फिर भी तेरे करम तेरी आता से भी बड़ा, कैसे कहूँ ना खुदा वो है नहीं फिर भी जुदा, कैसे कहूँ माना खुदा। और ये शेर बतौर खास है फलसफे इश्क के हवाले से कि जब इश्क महबूब खुदा ही जिंदगी का नाम है, जब इश्क महबूब खुदा ही जिंदगी का नाम है, फिर कोई इश्क मुस्तफा में मर गया कैसे, कोई मुस्तफा में मर गया कैसे कहूँ। और ये शेर बड़ा अहम है हदीस गदीर खुम के हवाले से कि ज़बाने नबूवत से अली की विलायत का ऐलान हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सरकार फरमाए हैं मनकुन तो मौला फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका मेरा भाई अली भी मौला है। तो फिर देखें हदीस मनकुंतों के हवाले से कि इस कौल मन कुंतो ने आका सब पे जाहिर कर दिया, इस कौल मन कुंतो ने आका सब पे जाहिर कर दिया, मौला अली का जो नहीं वो आपका कैसे, माना खुदा वो है नहीं फिर भी जुदा कैसे कहूँ। और ये आखिरी शेर और हमारे अकीदे अहले सुन्नत के हवाले से लफ्ज़ माँ ये जो इसमें मौसूल है इसकी अमूमियत पे इसमें जो अमूमी रंग है कि अल्लाह फरमाता है ऐ नबी वअल्लमा का मालम तक उठा कि हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, तो ये जो है ये माँ का जो मफहूम है उसको उतारने की कोशिश की है। तवज्जो चाहूंगा कि मालम तकुन तालम की माँ का बस जरा देखो, मालम तकुन तालम की माँ का बस जरा